यूएसए के द्वारा एक अभी अलर्ट इश्यू किया गया है, बेसिकली टोंगा ये पर्टिकुलर आइलैंड के लिए पैसिफिक ओशन के अंदर में। हुआ क्या है यहाँ पर, ये बताया जा रहा है कि पृथ्वी के अंदर एक वोल्केनो इरप्ट हुआ है और उसकी वजह से बोला गया कि सुनामी आने के चांसेस हैं, खासकर कहाँ कहाँ पर, यहाँ पर जो पर्टिकुलर पैसिफिक ओशन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर एरिया। इसके चलते यहाँ पर जो बोला गया है यूएसए का जो एरिया है उस पर काफी इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकता है, तो ये अभी यहाँ पर एक अलर्ट इशू किया गया है। बाकी यहाँ पर जो यूएसए वाला एरिया है अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पर भी इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस बोले गए, जैसे कि यूएसए का ना हवाई वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इन सब एरिया में भी बताया गया है कि ऐसा कुछ इश्यूज यहाँ पर अभी देखने को मिलता है। तो ये देखिए सुनामी जो है एक तरीके से बहुत ही खतरनाक, आप लोगों ने नॉर्मली कई बार वीडियोस भी देखे होंगे, मूवीज में देखा होगा, ऐसा एक इंसिडेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें पानी जो होता है वो कई मीटर, यानी कि ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग रहती है लगभग 15-15 20-20 माले की बिल्डिंग भी उसके उसके सामने छोटी लगती है। जब आप लोगों ने सुनामी देखी होगी, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि अभी रिसेंटली कई सारी वीडियो जैसी वायरल हुई है सुनामी से रिलेटेड, तो यूएस कोस्ट के द्वारा अभी यहाँ पर सुनामी अलर्ट यहाँ पर इशू किया गया है। सुनामी जो शब्द होता है ना यहाँ पर, ये टीस आइलैंड होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर सुनामी देखने को मिलेगा, टीस आइलैंड रहता है, तो ये काफी एक खतरनाक इंसिडेंट माना जाता है। 2004 में अगर आप लोगों को याद होगा तो यहाँ पर जो बेसिकली ब्यूक बंगाल के अंदर भी यहाँ पर कुछ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला था जिसके बारे में कई बार बात की जाती है कि उसने काफी लार्ज स्केल पर तबाही यहाँ पर मचाई थी। तो कई सारे इश्यूज आप लोगों को टाइम टू टाइम ये देखने को मिलते हैं, नेचुरल फिनोमिना है, इसमें इंसान कुछ नहीं कर सकता, बस एक प्रोटेक्शन अपनी जो है वो यहाँ पर ले सकता है जिससे कि चीजें जो है वो ज्यादा खराब ना हो। तो ये एक चीज है जो यहाँ पर जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो ये एक न्यूज थी, खासकर ये मैंने इसलिए लिखा कि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाए, अगर टोंगा आइलैंड कहां पर लोकेटेड है तो पैसिफिक ओशन के अंदर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। और इफेक्ट बोला जा रहा है कि जो हवाई है या फिर अलास्का है यूएसए का, यहां पर भी आप लोगों को इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, और ये सैटेलाइट इमेज है जिसके बेस पर यहां पर ये कुछ बातें बताई गई है। तो ये आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी इस पर्टिकुलर जो इंसिडेंट को लेकर, एक दो दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा तो काफी ज्यादा न्यूज में आप लोगों को ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए कल जो था आप लोगों का न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ था, तो मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किए थे, आप लोगों को वो टॉपिक जो है स्किप नहीं करने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उनको जरूर आप लोग देखिएगा ताकि कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। तो इसको आप लोग जरूर एक तरीके से एक पार्ट बना के चलेगा अपनी स्टडी का, कोई भी इशू नहीं देखने को मिलना चाहिए। आज का डिस्कशन जो है वो काफी शानदार आप लोगों का रहने वाला है, हालांकि जो है संडे है, संडे को आप लोगों को पता है कि एडिटोरियल नहीं आते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, और इसी के चलते हम लोग काफी सारे आर्टिकल जो है वो आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं आप लोगों को एक बार बोलूंगी कौन कौन से आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है तो इलेक्शन के बारे में जानेंगे, कई सारे जो कल्चर फेस्टिवल होते हैं बेसिकली, जैसे कि बुल टेमिंग की जाती है तमिलनाडु के अंदर भी, यहाँ पर अलग अलग एरिया में, तो कई सारे ऐसे फेस्टिवल्स के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी यहाँ पर एक और बेसिकली कोक फाइट के इनके मुर्गों की लड़ाई के बारे में बात की जा रही है, तो कहां पर आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं, क्या क्या सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके बारे में जानेंगे। अभी यहाँ पर क्रिकेट टीम के बारे में जो बात की जा रही है उसके बारे में कुछ आप लोगों से बात करूंगा। अभी यहाँ पर चोपर जो भी अनएक्सपेक्टेड अभी आप लोग क्रेज देखने को मिला था उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर की गई, समझेंगे। यहाँ पर एक और छोटा सा सुप्रीम कोर्ट का केस है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक और न्यूज है यहाँ पर कोविड-19 के बारे में, तो कुछ बातें की जा रही है तो समझेंगे क्या बातें की जा रही है। अभी यहाँ पर बंगाल के अंदर में पोस्टपोन कर दिए जा रहे हैं यहाँ पर जो इलेक्शन, समझेंगे आखिर क्यों, तो उसके बारे में समझेंगे। महाराष्ट्र के अंदर अभी यहाँ पर बात की गई मेडिसिन को लेकर, प्रिस्क्रिप्शन को लेकर जो डॉक्टर देते हैं उसके बारे में, तो जानेंगे क्या मुद्दा है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में आप लोगों से मैं बात करूंगा, आखिर क्या क्या है इसके बारे में चक्कर। टेस्ला बात कर रहे हैं इंडिया में आने की, तो आखिर क्यों। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर अभी एक और न्यूज निकल कर आई है, समझेंगे क्या, और थोड़ी सी डिफरेंट न्यूज है, सुनकर आप लोग भी हैरान होंगे, जानेंगे इसके बारे में। इसी के साथ में बात की जा रही है रिपब्लिक डे परेड के बारे में, आखिर क्या इशू है, समझेंगे। अभी यहां पर बात की जा रही है हूज ट्रेजडी के बारे में, क्या होती है हूज ट्रेजडी के बारे में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। कुछ और इक्का दुक्का न्यूज है यहाँ पर, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, ईडी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, और जयशंकर प्रसाद साहब जो है वो श्रीलंका के जो लीडर से बात करेंगे, और फिलिपिन को ब्रह्मोस हम लोग बेचेंगे उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ इंटरनेशनल इश्यूज यहाँ देखेंगे इसी तरीके से एक दो कर। रेयर अर्थ मटेरियल के बारे में एक न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए हो सकती है, और एक दो साइंस एंड टेक की न्यूज, और कुछ ओवरव्यू भी आप लोगों में यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसी के साथ में एक और छोटी सी न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये भी हम लोग समझेंगे, साइंस एंड टेक की न्यूज है। ठीक है, तो कई सारे अच्छे आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय कीजिएगा वीडियो को एंड तक। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, मिली है अगर जिंदगी तो मिसाल बनाकर दिखाइए,
वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। यानी कि जिंदगी में अगर आप लोग रियलिटी में कुछ करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपने काम पर इतना फोकस देना पड़ेगा कि चाहे कोई भी सिचुएशन जिंदगी में क्यों ना हो, आप लोगों को उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी है। तो इतना ज्यादा डेडिकेशन आप लोगों का आप लोगों के काम को लेकर होना चाहिए, और अगर वो डेडिकेशन एक बार आना स्टार्ट हो गया तो फिर कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और वो डेडिकेशन हमेशा तब रहेगा जब आप लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी जिंदगी जीना स्टार्ट करेंगे, यानी कि जिंदगी को खुलकर जीना। देखिए दो तरीके से चीजें आप दो नहीं तीन तरीके से चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो लोग ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पास्ट में जीना पसंद करते हैं, यार जिंदगी बर्बाद हो गई, यहां से आगे ही नहीं बढ़ रही है, पता नहीं अब जिंदगी में क्या होने वाला है, वो लोग कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। एक लोग ऐसे हैं जो फ्यूचर में जूते हैं, यार फ्यूचर का डर रहता है उनको, यार पता नहीं फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा हो जाएगा। ये भी आप लोग कभी भी आप लोगों को एक प्रॉपर वे में अपनी लाइफ को लीड करते हुए नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान वो है जो प्रेजेंट में अपनी लाइफ को जीना पसंद करता है। तो प्रेजेंट में कोशिश करो कि अपनी जिंदगी का कम से कम 90% जो टाइम है वो प्रेजेंट में जीना है। 5% आप लोग पास्ट में जी सकते हैं और 5% आप लोग फ्यूचर में जी सकते हैं, और वो भी कैसे, जो पास्ट में गलतियां की हैं उनको रिपीट नहीं करना है, तो 5% इसमें आ जाएगा। और जो यहां पर 5% आप लोगों का फ्यूचर में आएगा, ये क्या रहेगा, फ्यूचर में आप लोगों का वो रहेगा बेसिकली क्या आप लोगों को प्लानिंग करनी है, और बाकी का 90% टाइम जो है वो आप लोगों का प्रेजेंट में होना चाहिए। आई होप कि आप लोग ये बातें समझ रहे होंगे। बाकी कैसे चल रहे हैं आप लोगों के दिन, टोटल मिलाकर आप लोगों की जिंदगी में से नए साल के 15 दिन जा चुके हैं, अब तक आप लोगों का शेड्यूल कैसा चल रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, ताकि आप लोग अपने टाइम पर नजर रख सको कि टाइम जो है वो किस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और चीजों को आप लोग अच्छे लेवल पर इंप्लीमेंट कर सको, क्योंकि टाइम जो है ना वो बड़ी ही जल्दी हाथों से निकल जाता है, एक एक साल चला जाता है। पर लेकिन अगर आप लोगों ने दिनों के ऊपर नजर रखना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर आप लोग समझ पाएंगे कि रियलिटी में क्या सही है और क्या गलत है। तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा, काफी कुछ आप लोगों को समझने को मिलेगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने अटेम्प्ट कीजिए इनको। यहाँ पर बात की जा रही है गेटवे टू हेल सिचुएटेड है किस कंट्री में, अभी रिसेंटली पूरा टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, तो बात की जा रही है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान या फिर किर्गिस्तान, सही आंसर बताइए। बात की जा रही है यहाँ पर काराकुम डेजर्ट, काराकुम डेजर्ट कहां पर देखने को मिलेगा, ये भी गेटवे हेल से रिलेटेड है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। देखिए जो क्वेश्चन पूछता हूं ना ये सारे आप लोगों को पढ़ा चुका होता हूं, जो शाम को वीडियो आती है ना 8:30 बजे, सारे टॉपिक आप लोगों के कवर है वहां पर, तो आप लोग ताकि क्वेश्चन को रिवीजन थोड़ा सा हो जाए इसलिए आप बेसिक पर्पज रहते हैं, ठीक है। एक और यहां पर बात की जा रही है इंडिया स्किल 2021, ये नेशनल चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, तो किस राज्य के द्वारा यहां पर जीती गई, यानी कि टॉप किया गया, तो यहां पर बात की जा रही है आंध्र प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और गुजरात और उड़ीसा। हुआ क्या है, अगर यहां पर जो भी जीतेंगे अब आगे चाइना के अंदर 2022 में भी यहां पर एक वर्ल्ड स्किल चैंपियनशिप देखने को मिलेगी, उसमें सारे के सारे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इन क्वेश्चंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अटेम्प्ट कीजिए, कल इनका आंसर बताऊंगा, क्योंकि कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर आज मैं बताने वाला हूं। तो इस तरीके से पूरा पैटर्न आप लोग देखते हैं, तो अच्छे से एंजॉय किया करो, जो भी आप लोगों से पूछता हूं उसको ढंग से आप लोगों को पार्टिसिपेट करना होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले तो छोटी सी न्यूज है यहाँ पर, पे फर्स्ट फरी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो किस किसने अपने नॉमिनेशन फाइल कर दिए गए हैं, और यहाँ पर जो रैली इलेक्शन के टाइम पर अलाउ की जाती है पोल बाउंड एरिया में, उनको अभी 22 तारीख तक जनवरी तक अभी क्या कर दिया गया, उनको अभी एक्सटेंड कर दिया गया बैन, यानी कि रैली अलाउ नहीं की जाएगी। रीजन क्या है, रीजन यहां पर यह कि जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो रैली अलाउ कर दी जाती है, पर लेकिन अभी COVID-19 की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए अभी रैली वगैरह अलाउ नहीं की जा रही है। हाँ, आप लोग 300 के करीब लोगों को मैक्सिमम एक जगह पर इकट्ठा कर इंडोर मीटिंग के लिए ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, इतना अलाउ करा दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और बाकी कहां कहां पर किस किस पोस्ट पर कौन रहने वाले हैं, जैसे योगी जी के बारे में बात की जा रही है, ये अपने गोरखपुर पोस्ट से यहां पर लड़ेंगे, तो वो सब बताए गए, तो आप लोगों के लिए काम का नहीं है खासकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इन राज्य से निकल कर आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा याद जरूर रख सकते हैं, खासकर अपने अपने स्टेट के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में काफी इंपोर्टेंट एक संवैधानिक बॉडी है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर देखने को मिलेगी, और हमारी कंट्री में इसके द्वारा कौन कौन से इलेक्शन आप लोग बोले हैं, जैसे नहीं आप लोग एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं यूपीएससी के द्वारा, स्टेट पीसीएस के द्वारा, ऐसे यहां पर इनके द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, इनके हमारे पॉलिटिशियन के एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो यहां पर लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस जिस भी राज्य में है वहां पर भी इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट कराए जाते हैं, और बाकी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन इन्हीं के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। पावर जो रहते हैं मेनली आप लोगों को देखने को मिलेगा आर्टिकल 324, यहां पर ये पावर देता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट आरपीए 50वां और 51वां जो है 1950 से 1951
ये बेसिकली यहाँ पर यूज किए जाते हैं इलेक्शन को कंडक्ट कराने में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक फ्री बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है हमारी कंट्री में, और ये बेसिकली चार आप लोगों को वॉच डॉग देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में याद रखिएगा। एक तो यहाँ पर जुडिशरी, हमारी कंट्री में जस्टिस कैसे होना उसके ऊपर ध्यान रखती है। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मेरिट सिस्टम का ध्यान रखती है, यानी कि हमारी कंट्री में पोस्ट पर कैसे लोग पहुंचने चाहिए, तो मेरिट सिस्टम का ध्यान इसके द्वारा रखा जाता है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप लोगों के पर्स का ध्यान रखता है, आप लोगों का पैसा जो है वो गलत जगह खर्च ना हो जाए, तो ये कैग काम करता है। इसी तरीके से इलेक्शन का ध्यान रखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये चार वॉच डॉग हैं, इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन भी इनके ऊपर बन जाता है। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा और याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 में हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन किया गया था। इसी के चलते 25 जनवरी जो है हम लोग वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, पर लेकिन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर आता है, ये बातें मैंने आप लोगों को बता ही दी, जो कि आप लोगों से बात रखनी चाहिए थोड़ा सा। और यहां पर आज के डेट में बात करें तो दिल्ली में आप लोगों को यहां पर बेसिकली हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कई बार क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए अपने कंट्री में इलेक्शन कौन कंडक्ट करा रहा है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा कल्चर के पॉइंट ऑफ से भी, और खासकर अभी रिसेंटली कई जगह आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। ये पिक्चर है, यहाँ पर आप लोग एग्जैक्ट फर्स्ट पेज पर देख सकते हैं, और देखिए कोई भी आर्टिकल जैसे रहता है ना, वो आप लोगों को ओनली फर्स्ट पेज पर नहीं, अलग अलग पेज पर भी वो नजर आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट पेज पर जो आर्टिकल रहते हैं वो अलग अलग पेज पर भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बात की जा रही है किसके बारे में, आसाम के अंदर अभी यहाँ पर जो इनका फेस्टिवल होता है जिसको माघ बिहू बोला जाता है, तो उसमें यहाँ पर जो भैंसे का यूज किया जाता है, तो उसके बारे में अभी बोला गया कि यहाँ पर आसाम के अंदर अभी इसके ऊपर कोविड-19 के चलते प्रतिबंध लगा दिया है, तो ट्रेडिशनल में जो बुल फाइट होती है उसको यहाँ पर अभी मना कर दिया गया है, तो इसके चलते यहाँ पर इसको वापस ले जा रहे हैं, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अगर आप लोगों को कुछ बातें मैं बताऊं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इनके बारे में, क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। पहले तो आसाम के बारे में थोड़ा सा बातें करेंगे, आसाम कहां पर है हमारी कंट्री में, नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसी के साथ मिजोरम, त्रिपुरा और यहां पर आप लोगों को मेघालय देखने को मिलेगा, जो कि 6 राज्य तो ये टच करते हैं, और बाकी का एक हो गया यहां पर वेस्ट बंगाल, जो कि कई बार आप लोग भूल जाते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी टच करता है यहाँ पर, और ये थोड़ा सा साइड में है। ओके, तो इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। अभी आसाम के अंदर अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मेन आसामी फेस्टिवल है, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर रोंगाली, और इसी के साथ में भोग बिहू। ठीक है, ये यहाँ पर अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि मेन जो फेस्टिवल है आसाम में वो 3 टाइम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा बिहू, यानी कि बिहू जो है वो 3 टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है। एक को बोलते हैं रोंगाली, भोग बिहू, ये अप्रैल में देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर कोंगाली, कार्ती बिहू, ठीक है, ये आप लोगों को अक्टूबर में देखने को मिलेगा। तीसरा यहाँ पर ये है बेसिकली भोगाली, माघ बिहू, ये आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगा। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी वाले के बारे में बात की जाए, जिसकी बात जिसको बोलते हैं भोगाली और माघ बिहू, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आसाम में स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता ही है। वैसे भी कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, बोल देंगे कि किस किस राज्य में कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, और मैच करने के लिए आ जाता है, खासकर जो न्यूज में होता है। तो रोंगाली या फिर जो भोग बिहू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये आसाम के अंदर एक न्यू ईयर की स्टार्ट होती है। आप लोगों को पता होगा कि आज के डेट में हम लोग अपना फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं, 31 जो मार्च है वो यहाँ पर एंड होता है ईयर, और यहाँ पर 1 अप्रैल से उसको स्टार्ट किया जाता है। और पूरे देश में कई जगह ये न्यू ईयर का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर, इसको आप लोगों ने देखा होगा सिख न्यू ईयर, जिसको बैसाखी आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बेसिकली रोंगाली बिहू इसके साथ में कॉइंसाइड करता है, जो कि यहाँ पर बिहू है आप लोगों को अगर बात करें 13 अप्रैल से लेके यहाँ पर बेसिकली ये 21 अप्रैल तक आप लोगों को चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसी के साथ में ऐसा नहीं यहीं पर ये सेलिब्रेट कहता है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें बंगाल, मणिपुर, इसी के साथ में मिथिला, नेपाल, उड़ीसा, पंजाब, केरला, तमिलनाडु, कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ना कि हम लोग नॉर्मली बात करें जो 1 जनवरी होती है वो एक अलग बात है। ठीक है, देखिए अंग्रेजों ने ना ऑल ओवर वर्ल्ड पे रूल किया है, तो उसके हिसाब से 1 अप्रैल हम लोग बेसिकली वो सॉरी 1 जनवरी हम लोग यूज करते हैं, पर लेकिन मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी कल्चर के हिसाब से, और खासकर जो सूरज और जो पृथ्वी है उनके घूमने के हिसाब से जो हमारा टाइम चेंज होता है उसके हिसाब से एक रियलिटी में जो बोलते हैं ना एक साइंटिफिक जो सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, वही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो देखिए उसके बारे में तो आप लोग एंजॉय करते हैं, इसके बारे में भी आप लोग याद रख सकते हैं। कई बार यहाँ पर पूछ जाता है कि एरिया में क्या क्या पकवान पकाए जाते हैं, क्या क्या खाया जाता है, तो यहाँ पर बात रखिएगा पेठा, इसको बोलते हैं राइस केक, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में लारूस, ट्रेडिशनल फूड जो कि राइस से बनाया जाता है ये, और कोकोनट के साथ में यूज किया जाता है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली कई बार न्यूज में भी रहता है, समझिएगा अभी यहाँ पर
होता क्या, यहाँ पर जो मैन और वुमेन है वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं जिसमें मुगा सिल्क होता है, गोल्डन सिल्क जिसको आप लोग बोलते हैं, और डांस आप लोगों को देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। और जो सर पे इन्होंने बांध रखा है इसको बोलते हैं गमछा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रेडिशनल का पार्ट है, और रिसेंटली अभी न्यूज में भी था, जानेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पर बिहू जो है वो आसाम का एक डांस भी है जो कि लोकल डांस, फोक का मतलब होता है लोकल, यानी कि लोकल डांस, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर एक ड्रम भी होता है जिसको बोलते हैं बिहू ढोल, जिसको बजाया जाता है यहाँ पर। अभी जो मैंने इंपॉर्टेंट बात बोली वो है यहाँ पर गमछा, जैसे गमछा नहीं बोलते आप लोग, गमछा बोल देते हैं बेसिकली यहाँ पर आसाम के अंदर में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में भी था, यहाँ पर कोई भी जो लीडर जाता है उसको यहाँ पर बेसिकली ये गमछा जो है ये ट्राई भी कराया जाता है एज ए कल्चर पार्ट में, ठीक है। अगर बात करें तो यहाँ पर गमछा जो है वो सिंबल था प्रोटेस्ट का, जब यहाँ पर आसाम के अंदर एजिटेशन थी 1979 से लेकर 1985 तक। इसी के साथ में जो गमछा है वो यहाँ पर यूज किया गया जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ड्यूरिंग प्रोटेस्ट में भी यहाँ पर। इसी के साथ में अभी रिसेंटली जो गमछा यूज किया जा रहा है उसको मास्क के तरीके से भी यूज किया जा रहा है, तो इसलिए आसाम के ट्रेडिशन के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। अभी एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है आगे चलकर इसी के बारे में, ये बात की जा रही है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के बारे में जो यहाँ पर मांड्या डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या कहता है, आग लगाई जाती है और आग के अंदर से यहाँ पर जो बेसिकली जानवर है उसको निकाला जाता है, तो ये एक ट्रेडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये आप लोगों को कर्नाटक के अंदर ये सेलिब्रेशन देखने को मिलता है। ऐसे ही आप लोगों से मैंने डिस्कस की थी, आप लोगों को पता होगा बुल टेमिंग की जाती है, तो बुल टेमिंग कहां पर की जाती है, ये जल्लूकट्टी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बुल टेमिंग तमिलनाडु के अंदर पोंगल जो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है उसमें यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना इन सब चीजों पर बैन लगा रखा है, पर लेकिन राज्य गवर्नमेंट जो है वो यहां पर इस केस को लेकर लड़ती है, कैसे कैसे एक बार समझ लीजिए आप लोग। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बैन किया गया था बुल टैमिंग पर एक स्पोर्ट के तौर पर, यानी कि यहां पर लोगों को चोट भी लगती थी, कई सारे इश्यू देखने को मिलते थे, तो यहां पर इसके चलते एक पिटीशन पहुंची फिर कोर्ट के अंदर में 2011 की ये बातें चल रही है। जल्लीकट्टू जो है उसको बोला गया था एक तरीके से, यहाँ पर करंट लीगल पोजीशन अगर जल्लीकट्टू के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस इवेंट को लीगलाइज किया जाता है, ठीक है। चैलेंज किया गया इसको कोर्ट के अंदर में 2018 में, केस जो है यहाँ पर ये चल रहा है, जल्लीकट्टू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में पहुंचा गया जो कि अब तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, यानी कि बुल टेमिंग होनी चाहिए यहाँ पर या नहीं होनी चाहिए, ये केस जो है अब तक सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास में पड़ा हुआ है। अब आप लोग बोलेंगे कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में कैसे पहुंच गया, यानी कि एक तरीके से ऐसा क्या है इसके अंदर संवैधानिक की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को देखना पड़ेगा इस मुद्दे को, यानी कि ऐसे नहीं कि संविधान के अंदर अगर कोई चीज होती है तो वही तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको देखती है, तो यहां पर ऐसा क्या है इसके अंदर में कि संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इसको यहां पर देखने के लिए मजबूर हो गई, तो इसके बारे में अगर पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे, तो इसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। बेसिकली होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बारे में, जब भी कोई संवैधानिक मैटर होता है तो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच उसको देखती है और मिनिमम 5 जज आप लोगों को उसको देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा, पढ़ा भी चुका हूं कई बार, कौन से आर्टिकल के थ्रू यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है वो बनाई जाती है और कौन बनाता है, याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को बनाने की, तो उसके पास में ये पहुंचा और वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने की बात की जा रही है। कि देखिए बातें क्या है, आखिर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में क्यों बोला इसको, क्योंकि जब संविधान के अंदर आप लोग जाओगे ना तो पार्ट थर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पार्ट थर्ड में क्या है, आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, इसके अंदर जब आप लोग जाकर चेक करोगे फंडामेंटल राइट के अंदर तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कल्चर रिलेटेड आप लोगों को राइट देखने को मिलेंगे। तो आर्टिकल 29 के अंदर बोला जाता है कि जल्लीकट्टू जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और हमारी कल्चर का पार्ट है, तो हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, इसको इस तरीके से नहीं रोका जा सकता, तो इसके चलते यहां पर बात चल रही है। तो कई सारे ये ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे और कई सारे राज्य ऐसे, जैसे आप लोगों से मैंने बात की अभी, यहां पर ऐसा नहीं है कि यहीं पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में अगर बात करें तो अभी यहां पर सिमिलर टाइप ऑफ कमला करके यहां पर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, कहां पर, ये यहां पर कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर मैंने आप लोगों को बताया दिया, तो यहां पर कई जगह पर ये इश्यूज देखने को मिलते हैं जिसके चलते अभी इसको रोक दिया गया था। तो यहां पर आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, इनके अंदर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैन लगाया गया था, पर लेकिन फिलहाल अभी तमिलनाडु में और कर्नाटक में इसको स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लीगलाइज कर रही है। ऐसे ही आप लोगों को यहां पर एक और न्यूज देखने को मिलेगी, बोला गया डिस्पाइट बैन कोक फाइट ऑर्गेनाइज इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में जबकि कोक फाइट यानी कि मुर्गे की लड़ाई जो है वो बैन है, फिर भी यहां पर ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। तो विजयवाड़ा वाले एरिया में आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। देखिए ये सारी जो चीजें होती है ना, ये बोला जाता है कि एनिमल्स को लड़ाकर हम लोग अपना एंटरटेनमेंट करते हैं, तो दो मुद्दे निकल कर आते हैं, एक तो एनिमल्स को लड़ा रहे हैं अपना एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, दूसरा मुद्दा यहां पर ये निकल के आ रहा है कि हम लोग अपना एंटरटेनमेंट अपने आप क्यों नहीं करते, एनिमल्स की जान क्यों लेते हैं। तो कई बार जो एनिमल्स के जो बेसिकली राइट के हक की बात करने वाली है, जैसे कि हमारा हक है, हमारा अधिकार है राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत, तो ऐसे एनिमल का भी तो अधिकार है ना, उनकी भी जिंदगी है, अपनी जिंदगी एंजॉय करने के लिए हम लोग उनको कहीं आग से निकाल रहे हैं, कहीं उनको यहां पर इस तरीके से उनके साथ में लड़ रहे हैं,
तो यहां पर कई बार ये चीज देखने को मिलती है कि ये वैसे देखोगे एनिमल के पॉइंट ऑफ से गलत है कि हाँ ये गलत चीजें हो रही है, पर लेकिन दूसरा ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का ट्रांजिशन सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, ट्रैक्टर आ रहे हैं सब आज के पता नहीं अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये माना जा रहा है कि अगर ये जो बैल होता है ये जो यहां पर अगर इसको बुल होता है इसको यूज नहीं किया जाएगा तो ये सोसाइटी में से खत्म होता हुआ नजर आएगा। रीजन क्या है, ये रखा इसलिए जाता है कि यहां पर इसको बेसिकली गेम के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सके और यहां पर कल्चर का पार्ट बनाकर रखे। अगर ये कल्चर के पार्ट में से एक बार को हट गया तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, हमारे देश में इसको कोई नहीं रखेगा और यहां पर क्योंकि आज के टाइम में इनका ज्यादा यूज भी नहीं है तो ये इशू यहां पर बताया जाता है। तो इसके चलते आप लोग समझ सकते हैं, तो यहां पर कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने आप लोगों से किसके बारे में बात की, मैंने आप लोगों से बात की जल्लूकट्टू के बारे में, कमला के बारे में, इसी तरीके से कोक फाइट के बारे में बात की आप लोगों से, ये अभी यहां पर, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। यहां पर कैमल रेस भी आप लोगों को देखने को मिलती है, कैमल रेस कहां पर देखने को मिलेगी, ये भी आप लोगों को जैसे कि पुष्कर के मेले में जैसे कहां पर होती है, ये आप लोगों को राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है, बीकानेर फेस्टिवल के टोटल पर हर पुष्कर का मेला लगता है ना। ऐसी डॉग फाइट आप लोग कई बार देखने को मिलती है, कई जगह डॉग फाइट यहां पर कराई जाती है, यानी क्रुएल्टी यहां पर होती है काफी ज्यादा। तो इसलिए हमारे देश में अगर बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको बैन किया जाता है कि नहीं करनी चाहिए भाई साहब ये चीजें, पर फिर भी हम लोग यूज करते हैं। बुल फाइट आप लोगों को आसाम के अंदर भी देखने को मिलेगी, बिहू फेस्टिवल पर इसको सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं, आसाम बेसिकली गुवाहाटी वगैरह के अंदर भी आप लोगों को चीजें नजर आ जाएगी यहां पर, ठीक है। हॉर्स रेसिंग आप लोगों को देखने को मिलती है कई सारी कंट्री में, इंडिया के अंदर भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये भी यहां पर कई बार इनको बेसिकली रोका जाता है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, तो बेसिकली कल्चर के अंदर आती है। तो ये आर्टिकल आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इस टॉपिक को लेकर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, यहां पर ये बेसिकली कोहली साहब के द्वारा स्टेप डाउन कर दिया गया है अभी यहां पर टेस्ट के कैप्टन से, तो ये एक काफी बड़ी न्यूज बन रही है, कल ट्रेंड भी कर रहे थे। यहां पर हुआ क्या है, अभी यहां पर हमारी कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका से हार गई है, तो उसकी वजह से यहां पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप लोग याद रख सकते हैं, जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि ये ट्रॉफी कौन सी थी जो साउथ अफ्रीका के अंदर यहाँ पर जो ट्रॉफी कौन सी थी जो यहाँ पर ये खेली जा रही थी अभी, तो ट्रॉफी का नाम रखिएगा, ट्रॉफी थी फ्रीडम ट्रॉफी, ठीक है, जिसमें साउथ अफ्रीका के द्वारा जीत लगाई गई है यहाँ पर, इनकी फ्रीडम ट्रॉफी थी जो कि साउथ अफ्रीका के द्वारा जीत ली गई है इंडिया को हराकर। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, ठीक है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आप लोगों से, तो इंडिया फेल हो गई यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतने में और इस ट्रॉफी का नाम था फ्रीडम ट्रॉफी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कई बार बन जाता है आप लोगों से। एक न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ से, आप लोग इसको काउंट कर सकते हैं, जो बिपिन रावत साहब का चोपर जो क्रैश हुआ था तो उसके बारे में है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता ही है यहां पर ये काफी बड़ी दुर्घटना देश के अंदर देखने को मिली थी, बिपिन रावत साहब जो है यहां पर उनका चोपर जो क्रैश हुआ था और जो भी इतने भी आदमी थे इनकी वाइफ के साथ में सब लोगों की यहां पर जान चली गई थी। इसी के साथ में यहां पर जो ये याद रखिएगा, यहां पर MI-17V5 ये हेलीकॉप्टर था जो कि हम लोग रशिया से खरीद कर लेकर आए थे। तो अभी इसकी इंक्वायरी में बात बताई जा रही है कि यहां पर ये अनएक्सपेक्टेड वेदर जो है यहां पर ऐसा माहौल बन गया, बेसिकली यहां पर वेदर खराब हो गया जिसकी वजह से जो पायलट है वो अपना कंट्रोल खो बैठे और उसकी वजह से यहां पर ये दुर्घटना यहां पर देखने को मिली, तो जिसके चलते यहां पर 12 लोगों की जान चली गई थी इसके अंदर में, ठीक है। विलिंगटन जा रहे थे यहां पर, ये एक डिफेंस का कॉलेज है, कई बार आप लोगों से कई सारे इंस्टीट्यूशन के नाम पूछ ले जाते हैं मैच करने के लिए, तो डिफेंस सर्विस ऑफ स्टाफ कॉलेज जो है विलिंगटन के अंदर में, तो वहां पर ये जा रहे थे और वहीं से ही इनके द्वारा अपना एनडीए के सिलेक्शन के बाद में अपना जो था यहां पर वहीं से इनके द्वारा कोर्स कंप्लीट किया गया था, तो उसमें इनको बुलाया गया था एज ए गेस्ट के तौर पर। तो उसके चलते यहां पर जब ये दुर्घटना घटी तो काफी एक मतलब पूरा देश जो था वो सहम गया था, बहुत ही बड़ी त्रासदी आप लोग बोल सकते हैं, खासकर हाईएस्ट पोस्ट थी हमारी कंट्री में और फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे हमारे देश के। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोग याद रखते हैं। आर्मी जो है वो बोल रही है कि बॉर्डर को मेंटेन रखेगी, जिस भी कंट्री के साथ में जैसा भी स्टेटस है उसको स्टेटस को में बना के रखेगी, यानी कि यथास्थिति बना के रखेगी। स्टेटस को का मतलब होता है कि यथास्थिति बना के रखना, उसके अंदर कोई भी छेड़खानी नहीं करना। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर ये बेसिकली अभी एक इशू निकल कर आया है, यहां पर होता क्या है, देखिए कई बार क्या होता है जैसे कि अगर कोई बाहर का इंसान है वो इंडिया के अंदर में आता है, ठीक है, इंडिया के अंदर आने के बाद में मान लीजिए वो वापस नहीं जा रहे हैं या फिर यहां पर कोई इलाज करवाने के लिए आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि उसमें यहां पर अभी क्या हुआ, एक यूएसए की एक महिला थी अपने बेटे को लेकर आई उसका इलाज करवाने के लिए, ठीक है, और यहां पर आने के बाद में फिर वो यहीं पर ही रुक जा रही है। तो यहां पर जो कोर्ट के अंदर जब केस पहुंचता है तो यहां पर बात किया कि उनको जाना है नहीं जाना है, वो इशू को ध्यान में नहीं रखते हुए चाइल्ड की सेफ्टी के बारे में बात यहां पर करनी चाहिए। तो चाइल्ड जो वेलफेयर की टू द कस्टडी बैटल, तो यहां पर अभी ये देखने को मिल रहा है इशू जिसके चलते यहां पर बात की जा रही है। तो जो बाप है वो चाहता है रिटर्न आ जाए पर लेकिन यहां पर ये रिटर्न जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उसी के ऊपर यहां पर ये इशू है। तो बच्चे के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है कि किसके बाद में कस्टडी रहेगी क्या रहेगा, क्योंकि अभी फिलहाल मां के पास में। तो एक छोटा सा एक इशू है, हल्का सा आप लोग आइडिया रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं पर पता चला आप लोगों को बता दो थोड़ा सा।
यहाँ पर अगर बात करें तो करंट जो अभी सिचुएशन बोला जा रहा है कि पीक पर आ चुका है कोविड 19 के जो केसेस हैं दिल्ली के अंदर में, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और जो भी अपने डोज आप लोग के बचे हैं उसको आप लोग जरूर कंप्लीट कराइए। ये सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, इतनी जल्दी आप लोग कंप्लीट करा लोगे उतना ज्यादा बेटर आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। बाकी सिविक जो पोल है यहाँ पर, खासकर अगर बात करें म्युनिसिपैलिटी के बारे में आप लोग बोल सकते हैं। देखिए हमारी कंट्री में मैंने भी आप लोगों को बोला था कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है, इसी तरीके से स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं ना, स्टेट के अंदर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट का यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी का जो पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसको पोस्टपोन किया जा रहा है, अभी उसी के बारे में बात की जा रही है। तो ये आर्टिकल बेसिकली याद रखिएगा 73rd जो हमारी कंट्री में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके थ्रू यहाँ पर ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये बेसिक है, इसके बारे में आप लोग मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं कि यहाँ पर इनके थ्रू जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र जो है, बात की जा रही है कि अगर कल को चलकर कोई भी कोविड 19 से रिलेटेड यानी कि कोई दवाई लेता है, कुछ भी कुछ बाय करता है, कोई सेल्फ टेस्टिंग किट यानी कि किसी को अपनी खुद का सेल्फ टेस्ट करना है, तो बात की जा रही है यहाँ पर कि उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या करना चाहिए, उसको यहाँ पर बेसिकली डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना पड़ेगा तभी उसको किट मिलेगी, ऐसे यहाँ पर किट प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है ताकि मिसयूज ना किया जा सके चीजों का, ठीक है। तो ऑब्जर्व किया जा रहा है कि लोग जो है कि टेस्ट कर नहीं रहे, कई बार क्या रहा है कि अपने आप ही ना एडवांस में लेकर रख लिया, कई बार ब्लैक होर्डिंग की जाती है, तो कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए रिसोर्स जो है लोगों तक सही टाइम पर पहुंचे, ये एक काफी एक इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पर उठाया गया, मुझे पर्सनली काफी सही लगा क्योंकि कई बार ऐसे इश्यूज आप लोग को देखने को मिल जाते हैं, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया यहाँ पर जरूर रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है यहाँ पर जो कि केरला के अंदर देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं सिल्वर लाइन। तो सिल्वर लाइन जो प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल जो है वो पब्लिक डोमेन में रख दी गई है, काफी लंबे समय से ये न्यूज में था। हमारी कंट्री में मेट्रोमैन कौन है पता है ना आप लोगों, उनका नाम है ई श्रीधरन। ई श्रीधरन साहब जो है उनके द्वारा भी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया गया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सही नहीं है, दिक्कतें देखने को मिल सकती है। प्रोजेक्ट क्या है बेसिकली, अगर आप लोग केरला के अंदर जाओगे तो आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया देखने को मिलेगा, मतलब केरला का जो एरिया है बेसिकली उसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है। अगर आप लोग देखोगे, एक सेकंड रुकिए, जैसे हमारी कंट्री में केरला हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कर्नाटक और तमिलनाडु टच करते हैं, तो यहाँ पर जो आप लोगों को वेस्टर्न घाट साइड में ये वाला एरिया देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है एक पर्टिकुलर रेलवे प्रोजेक्ट की तरीके से, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्या क्या बातें हैं समझ लेते हैं यहाँ पर। ये पर्टिकुलर जो रास्ता है डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर 529 किलोमीटर यहाँ पर, और बेसिकली 1383 यहाँ पर इंक्लूडिंग अगर बात करें प्राइवेट लैंड यहाँ पर ये एक्वायर करनी पड़ेगी इस रेलवे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड गेज रहेगा ये 1435 mm का देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर इसी के साथ मैक्सिमम जो स्पीड रहेगी इसकी ये 200 किलोमीटर पर आर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिटिंग जो रहेगी 2+2 और 3+2 स्टैंडर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगी एक रेल के अंदर में, यहाँ पर लगभग 675 के करीब पैसेंजर आ सकते हैं और 900 कार सेट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि जिसमें बोगी होंगी वो लगभग आप लोगों को 9 देखने को मिलेगी और 675 के करीब यहाँ पर एक में उसमें लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली यहाँ पर जो प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिग्नलिंग और ट्रेनिंग कंट्रोल जो रहेगा यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 यूज किया जाएगा ताकि कोई भी दुर्घटना न यहाँ पर देखने को मिले। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर कई तरीके से कई सारे ब्रिज बनाए जाएंगे, कई सारे यहाँ पर ने टनल बनाए जाएंगे, क्या क्या कटिंग की जाएगी वो सब बातें यहाँ पर बताई गई है। टोटल कॉस्ट जो है यहाँ पर वो यहाँ पर अभी आगे बढ़ाई जा रही है, पहले बोला गया था यहाँ पर लगभग इसके लिए 49,000 करोड़ कॉस्ट आने वाली है, पर लेकिन आप लोगों को पता है जैसे जैसे यहाँ पर टैक्स वगैरह लगते हैं तो फिर बोला जा रहा है कि 55,000 करोड़ के करीब यहाँ पर इसकी कॉस्ट आने वाली है टोटल, और प्रोजेक्ट को जो कंप्लीट किया जाएगा टोटल कॉस्ट यहाँ पर ये बताई जा रही है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो 63,000 मतलब सब जुड़ा के आप लोगों को पता है फिर जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है उसकी वजह से प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते रहते हैं, तो ये लंबे समय में ऐसा तो नहीं है एक दिन में ही ये बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 11 स्टेशन इस पर बनाने की बात की जा रही है 529 किलोमीटर के रास्ते पर, ताकि रास्ते को काफी ज्यादा सस्ता बनाया जा सके, आसानी से लोग जो है आवागमन कर सके, ठीक है। इसी के साथ में कंप्लीट करने में बोला जा रहा है 5 साल इसको लगने वाले हैं। तो ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया, तो याद रखिएगा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो है वो स्टार्ट की जा रही है केरला के अंदर में, तो मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है यहाँ पर, के रेल अगर आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये पता होना चाहिए, के रेल है यहाँ पर, केरला जो रेल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो यहाँ पर काम करने वाली है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ केरला के साथ में, तो ये नोडल एजेंसी है जो इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो इनका है ये प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक इशू है जो कि आप लोगों को याद रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
आगे एक और न्यूज है यहाँ पर छोटी सी, ये अभी यहां से निकल कर आ रही है, बेसिकली कहां से, तेलंगाना से। तेलंगाना बोल रहा है कि टेस्ला को अपने अंदर लेकर आ जाएगा, यानी कि राज्य के अंदर में, ताकि जो चीजें हैं कार, जो गाड़ी वगैरह है, वो कार वगैरह है जो बनाई जा सके। और खासकर आगे चलने वाले फोकस रहेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार के ऊपर फोकस किया जाए। टेस्ला जो कंपनी है ये इलोन मस्क के हैं, यहाँ पर वो सीईओ है टेस्ला के, तो इसी को यहाँ पर इन्वाइट किया जा रहा है तेलंगाना के अंदर। तो उसी के चलते यहाँ पर ये ट्रेंड भी कर रहा था कि आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये सारा मैंने बताई दिया आप लोगों को क्या क्या इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट यार मुझे काफी एक इशू लगा, ये सोचने के लिए मतलब मजबूर हो रहा था मैं भी, कैसी कैसी चीजें देखने को मिलती है। अभी यहां पर आप लोगों को पता है किसके बारे में, मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, कईयों बार मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट सा इशू यहां पर निकल कर आया है बेसिकली मुल्ला पेरियार डैम के बारे में। बात की जा रही है एक पर्सनैलिटी के बारे में जिनका नाम है पेन क्यूक, तो यहां पर आप लोगों को नाम देखने को मिलेगा। एक इंजीनियर थे यहां पर जिनका नाम है पेन क्यूक, तो उन इंजीनियर की यहां पर अभी स्टेचू, इंजीनियर का मतलब कर्नल थे, उनकी स्टेचू बनाने की बात की जा रही है, जिनके द्वारा मुल्ला पेरियार डैम जो है उसके कंस्ट्रक्शन में काफी बड़ा रोल प्ले किया गया था। तो उसकी स्टेचू जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉल करेगी कहां पर, यूके के अंदर में, ठीक है। तो ये बात यहां पर निकल कर आ रही है, तो स्टालिन साहब के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है। आप लोगों को पता है ये ऑलरेडी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी वाला इशू रहता है मुल्ला पेरियार डैम, किसके बीच में, ये दो राज्य के बीच में। राज्य कौन कौन से है, राज्य है यहां पर केरला और इसी के साथ में तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु के बीच में क्या इशू रहता है, इशू ये रहता है कि ये जो बांध बना हुआ है, ये बांध बना हुआ है केरला के अंदर में, पर लेकिन इसको मैनेज करता है तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु यहां पर इसको कंट्रोल करता है। और ये जो बांध बना हुआ है ये पेरियार और मुल्ला जो रिवर है उनका, जहां पर वे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट है, जहां पर वो मिलते हैं उस पर ये डैम बना हुआ है। इसी के आसपास में आप लोगों को पेरियार टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। तो ये जो डैम है यहां पर ये बनाया गया था जब, तब से लेके बोला गया कि लगभग 999 यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1000 साल तक तमिलनाडु जो है वो यहां पर इसको मैनेज करेगा। और ये 1886 यानी कि 1886 में इसको बनाया गया था, तो तमिलनाडु को लीज पर दे दिया गया था यहां पर ये जो पर्टिकुलर डैम है। 126 साल पुराना ऑलरेडी हो चुका है, जिसको लेकर कई बार बातें की जाती है कि आगे पता नहीं है कब तक टिकने वाला है। तो अब मुद्दा ये निकल कर आ रहा है यहां पर, उसको और ज्यादा यहां पर तूल देने की कोशिश की जा रही है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, उस पर्टिकुलर जो कर्नल की जो स्टेचू को इंस्टॉल करके। तो केरला वाले वैसे ही इस प्रोजेक्ट को लेकर कई बार चिढ़ते रहते हैं कि ये हमारी एरिया में काफी दिक्कत क्रिएट करता है, अगर पानी इसका बढ़ जाता है तो यहां पर बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं, उसकी मरम्मत करनी चाहिए क्योंकि 26 साल पुराना हो चुका है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है यहां पर, ये मुल्ला और पेरियार जो रिवर जहां मिलती है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कार्डमन हिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा किस हिली एरिया में है यहाँ पर, तो कार्डमन हिल है यहाँ पर वेस्टर्न घाट के अंदर, वहां पर आप लोगों को ये नजर आएगा। तो बना है केरला के अंदर में, पर लेकिन ऑपरेट किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। तो जो पेरियार रिवर है ये काफी इंपॉर्टेंट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर है केरला के अंदर अगर बात करें, लगभग 244 किलोमीटर, और लाइफ लाइन भी कई बार इसको केरला की बोला जाता है। ये पेरेनियल रिवर है यहाँ पर, यानी कि बारहमासी रिवर आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर पानी इसमें कंटिन्यूअस बहता रहता है, तो यहाँ पर वो रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो रिवर ओरिजिनेट कहां से होती है, ये होती है शिवागिरी हिल, जो वेस्टर्न घाट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और पेरियार जो टाइगर है, जो पेरियार नेशनल पार्क है, मैंने आप लोगों को उसके बारे में बता दिया, वो आप लोगों को इसके आसपास वाले एरिया में देखने को मिल जाता है। तो यहां पर बेसिकली बात की जा रही है यहां पर मुथरा पूजा, इसी के साथ में मलियार चेरुथुनी, यहां पर बात की जा रही है पेरेंजिकुटी, ठीक है। तो ये कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, कई बार ना छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अगर आप लोग इसके बारे में आइडिया रखेंगे तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक मोटा मोटा आइडिया इसके बारे में आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। अभी यहां पर एक काफी बड़ा इशू देखने को मिल रहा है, आप लोगों को पता है हम लोग अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे, तो गणतंत्र दिवस जो सेलिब्रेट किया जाएगा 26 जनवरी को, तो हम लोगों ने सेंट्रल एशियन कंट्री को यहां पर बुलाया था अपने चीफ गेस्ट के तौर पर, ठीक है। जैसे तजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, पर लेकिन अभी यहां पर लग रहा है कि कोई आएगा या फिर नहीं आएगा, तो वो वाली चीज देखने को मिल रही है। एक तो कोविड-19 की बात की जा रही है, वो काफी बड़ा इशू है। दूसरा एक और इशू चल रहा है कजाकिस्तान के अंदर में, आप लोगों को पता ही है अभी प्रोटेस्ट चल रहे थे काफी लार्ज स्केल पर, तो काफी बड़े इश्यूज वहां पर देखने को मिल रहे थे, तो ये भी एक मुद्दा यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके चलते कई सारे इश्यूज यहां पर निकल कर आ रहे हैं, तो अभी देखने वाली बात है यहां पर कि किस तरीके से क्या क्या चीजें चलेगी, क्योंकि अभी 26 जनवरी हो गई है, तो अभी कई सारे इश्यूज हैं जिसके चलते कंफर्मेशन नहीं देखने को मिल रही थी। 2021 में प्राइम मिनिस्टर जो थे बोरिस जॉनसन साहब, उनको बुलाया गया था यहां पर, किसके थे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, बेसिकली ये थे यूके के, ठीक है। तो उनकी सबमिट भी जो थी यहाँ पर कैंसिल हुई थी जिसी के इशू की वजह से यहाँ पर, ठीक है। तो यही आप लोगों को चक्कर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अभी क्या होने वाला है तो वो हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही है। बाकी यहाँ पर लास्ट टाइम किसको बुलाया गया था कि आप लोगों को याद है, बताइए कोई था भी या फिर नहीं था। आगे बात करें तो ये काफी बड़ा इशू है, खासकर हेल्थ के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो 5 लोगों की जान चली गई, बोला जा रहा है कि ह्यूज ट्रेजेडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकती है।
ये त्रासदी कई बार आप लोगों के सामने निकल कर आती है कई सारे एरिया में। यहाँ पर ये गलत तरीके की शराब, यानी लोकल ठेले पर बनाई गई जो शराब है उसको यूज किया जाता है, तो कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं। तो अल्कोहल जो है यहाँ पर एक तरीके से, खासकर जो कि यहाँ पर ऐसे कोल्लू जो गांव वाले एरिया में देखने को मिलते हैं, तो वहां पर उसमें अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाती है, तो उसके चलते यहाँ पर इश्यू देखने को मिलते हैं। तो इलीगल तरीके से जो दारू बनाई जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर कोई शराब बनाई जाएगी तो उसमें प्रॉपर एमए मिक्सर होता होगा जो भी ये बनाते होंगे कुछ, उसमें जिस तरीके से चीजों को बनाना है। पर लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं तो आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी, इसमें प्रॉपर वे में सारी चीजें नहीं मिली होती है जिस तरीके से एक पैटर्न में चीजें बननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उल्टा कुछ कंडीशन आती है जिसकी वजह से इशू निकल कर आता है। तो उसी के चलते बात की जा रही है कि अनरेगुलेटेड कंडीशन में जब मेथनॉल और यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल को मिलाया जाता है तो फिर ये डिजायर अल्कोहल यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर प्रॉपर इसको यूज किया जा रहा है, अनरेगुलेटेड वे में मिलाया जा रहा है, तो फिर यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी कि उससे क्या हो सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, डेथ तक इंसान की हो सकती है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है उसका जब यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ती है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कई बार यहाँ पर लोगों की जान जाती है जिसके चलते यहाँ पर ये इश्यू देखने को मिलते हैं। तो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ मेथेनॉल जब मिल जाए यहाँ पर, तो मेथेनॉल जो है वो इजिली अवेलेबल भी है यहाँ पर, अल्कोहल जो ड्रिंक के तौर पर यहाँ पर उसको जब मिलाया जाता है तो यहाँ पर काफी बड़ा नुकसान पहुंचाता है, और फॉर्मूला है CH3OH। तो इसके चलते कई सारे केसेस कई जगह देखने को मिले, तो कई बार लोगों की जान जाते हैं यहाँ पर ये गलत शराब पीने से, खासकर उन एरिया में कई बार देखने को मिलते हैं बिहार के अंदर में। क्यों? क्योंकि दारू जो है वहां पर अलाउ नहीं है, ड्राई स्टेट है जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, तो वहां पर ये इशू आप लोग कई बार देखने को मिलेगा। तो इसके चलते आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं, कई बार ऐसे मुद्दे बन जाते हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इसके बारे में होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। देखिए कभी भी अगर लाइफ में आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर ईडी के बारे में बात हो रही है, तो ईडी का मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ये समझिएगा कि अब यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बाहर के पैसे के बारे में बात की जा रही है। बाहर के पैसे का मतलब, यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि बाहर से जो मनी आती है, खासकर इलीगल तरीके से बाहर पैसा रखते हैं, बाहर से कोई पैसा देश के अंदर में आता है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यहाँ पर आप लोग को काम करता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो ईडी, तो ईडी के द्वारा अटैच की गई यहाँ पर लगभग 48 यहाँ पर लाख रुपीज जो कि यहाँ पर बोले जा रहे हैं वर्थ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इशू देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अभी जो बेसिकली बात की जा रही है कि जो इतना पैसा कहां से आया, ठीक है, तो यहाँ पर फ्री जो लांस जर्नलिस्ट है राजीव शर्मा, ठीक है, तो उनके कनेक्शन यहाँ पर माने जा रहे हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के तहत यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ईडी के बारे में कम से कम आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पर इसको बोलते हैं ईडी को। तो यहाँ पर बेसिकली हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये इंटेलिजेंस एजेंसी देखने को मिलेगी जो कि लोगों को इन्फोर्स करने का काम करता है। 1956 में ये बॉडी बनाई गई थी और न्यू दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कई बार न्यूज में आते हैं, अभी आप लोगों ने इसको देखा होगा रिसेंटली हमारी कंट्री में कई सारे केसेस निकल कर आए कि बाहर किस किस इंसान का पैसा रखा हुआ है, तो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो याद रखेगा यहाँ पर ये इसके अंदर जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को निकल के आएंगे, तो दो एक्ट को यहाँ पर ये यूज करती है। ये एक्ट कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं। एक तो बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, यानी कि फॉरेन से कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं उसको मैनेजमेंट करने का एक्ट है हमारे देश में, यह है 1999 का, और इसको फीमा भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर पीएमएलए, इसको पीएमएलए बोलते हैं। पीएमएलए का मतलब क्या होता है, ये है बेसिकली 2002 का एक्ट है हमारे देश में। तो ये होता है पेन, ना देखो कैसे चल रहा है, मतलब सर्दी इतनी है पेन ऐसा हो जाता है सुबह सुबह कई बार। तो प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आप लोगों को यहाँ पर ये इश्यूज देखने को मिलेंगे जिसके तहत यहाँ पर ये चीजें निकल कर आती है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने अभी बताया, तो यहाँ पर ये काम होता है। इसके आज की डेट में कौन है यहाँ पर इसके बेसिकली चीफ, ये आप लोगों को बताना है, जो IRS है बेसिकली, वो अभी रिसेंटली न्यूज में भी थे, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, जो भी ऐसा मैटर देखने को मिलता है वो यहाँ पर इनके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज देखने को मिलेगी जो इस तरीके के इश्यूज निकल कर आते हैं, कई बार इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की जा रही, तो उसी के बारे में यहाँ पर ये इश्यू निकल कर आ रहा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा रिलीज की गई है गाइडलाइन चार्जिंग का ढांचा जो बनाने की बात की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि देखिए हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी इसको इंप्लीमेंट किया जाए। और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि फिक्स किया जाए रेट 1 रुपए पर किलोवाट का। तो देखिए चार्जिंग स्टेशन कैसे बनाए जाएंगे, अच्छा आप लोगों को मैं बोलूं आप लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे या फिर नहीं लेंगे आज की डेट में, आप लोग इसके बारे में क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर उसी के बारे में बात की जा रही है। मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे क्यों दुनिया परेशान है आज के डेट में, क्योंकि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। एक बार खरीद लिया फिर ज्यादा खर्चा नहीं निकल कर आएगा, तो कई सारे ऐसे मुद्दे आप लोगों के सामने निकल कर यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आप लोगों को याद रखना है, ये यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तक ना हमारा देश काफी लार्ज स्केल पर दुनिया से सामान खरीदा करता था। मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि हम लोग डिफेंस के जो सामान है कई सारे देश से हम लोग खरीदते हैं, पर लेकिन अभी हम लोग खरीदने वालों से हटकर हम लोग बेचने वालों कैटेगरी में आ गए। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा बोल सकते हैं आज के में इंडिया के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग बात करें। इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए
तो याद रखिएगा हमारे देश जो है वो आज के डेट में खरीदने वाले कंपेयर में बेचने वाला बन गया, और वो भी किसकी हेल्प से, रसिया और इंडिया दोनों मिलकर यहां पर काम करते हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो है ये हमारी कंट्री की डीआरडीओ और रसिया की जो एजेंसी है एनपीओएम उसके द्वारा मिलकर ये बनाया जाता है, और दो रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया। एक रिवर है यहां पर जिसका नाम है यहां पर मोस्को, और दूसरा है ब्रह्मपुत्रा, इनके बेस पर इसका नाम रखा गया। तो फिलिपिन के द्वारा अभी यहां पर साइन किया गया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए, और यहां पर ये 374 मिलियन की डील हुई है। बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को सोचने में सुनने में लग रही होगी ठीक है फिलिपिन ने खरीद लिया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी। बड़ी बात आप लोग यहां पर ये देखने को मिलेगी कि अगर आप लोग यहां पर जाएंगे इंडियन ओशन के अंदर तो फिलिपिन यहां पर ये ठीक है, और यहां पर हो गया चाइना और यहां पर हो गया इंडिया। तो चाइना जो है बार बार दादागिरी दिखाता है यहां पर आकर, तो फिलिपिन के पास में अगर कल को ऐसी कोई मिसाइल रहेगी तो यहां पर चाइना जो है वो सोच समझ कर बदतमीजी काटेगा। तो डिटरेंस क्रिएट किया जा सकेगा फिलिपिन के द्वारा, ये मुद्दा देखने को मिलेगा। और इंडिया भी यही चाहता है कि चाइना जो है वो ऐसी हरकतें जो कर रहा है उसको रोका जा सके, तो उसी के तहत यहां पर ये डील आप लोगों को देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री की साइड से फिलिपिन के साथ में साइन की गई है। इसी के साथ में और भी कई सारी कंट्री हैं जो आगे आने वाले टाइम में ब्रह्मोस को खरीदने की बात कर रही है। तो नॉर्मली यहां पर ये हमारी कंट्री की एक जीत आप लोग बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में अगर हम लोग इस तरीके से आकर काम करते हैं। तो ब्रह्मोस सिस्टम में यहां पर इंडिया और रसिया मिलकर काम करते हैं, और लगभग जो इसकी रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी ये 450 से 600 के करीब एक्सटेंड की जाने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी हम लोग मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कंट्रोल रिजीम होता है जिसको आप लोग MTCR बोलते हैं उसके तहत हम लोगों ने यहां पर इसको इसकी रेंज बढ़ाने की बात कर ली है, क्योंकि इंडिया जो है उसका मेंबर बन चुका है। तो अगर उसका मेंबर बन जाता है तो यहां पर आप लोग मिसाइल की रेंज बढ़ा सकते हैं। अभी फिलहाल जो इसकी रेंज थी वो 300 के करीब आप लोगों को देखने को मिल रही थी किलोमीटर, ठीक है। ब्रह्मोस जो है वो हैवीएस्ट वेपन है जिसको डिप्लॉय किया जाता है, सुखोई जो 30 है उसके ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं यहां पर, जिसके चलते आसानी से फिर उसको छोड़ा जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी जो स्पीड है वो भी आने वाले टाइम में आप लोग अच्छी खासी देखने को मिलेगी, 2.1 के करीब मैक के करीब आप लोगों को स्पीड देखने को मिलती है, ठीक है। डे और नाइट में दोनों टाइम यूज किया जाता है, फायर एंड फॉरगेट टाइप की मिसाइल है कि जहां पर छोड़ दो फिर जाकर अपने जो निशाने तक ही टकराएगी। तो कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अभी यहां पर जयशंकर साहब जो हैं वो यहां पर बेसिल जो राजपक्सा हैं उनकी जो लोन रिव्यू के बारे में बात की जा रही है। श्रीलंका जो है आज के दिन में सदमे में आ चुका है, ठीक है। तो वहां पर कई सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, खाने के ऊपर कई सारी दिक्कतें आ रही है, मेडिसिन और इसी के साथ में फ्यूल को लेकर। हुआ क्या है यहां पर, चाइना ने अपने डेट ट्रैप पे फंसा लिया। देखिए चाइना की इंटरेस्टिंग चीजें देखो, एक साइड में बोल रहा है कि मैं डेवलपिंग कंट्री हूं और दुनिया को लोन बांट रखा है इसने चाइना ने, और एक साइड में बोल रहा है कि मैं डेवलपिंग कंट्री हूं, ठीक है। तो ऐसी हरकत इसके द्वारा की जाती है, तो कई बार ऐसे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं कुछ मुद्दों के बारे में यहां पर बात की जा रही है, जो कि एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन बन जाए तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चाइना जो है उसका डेट ट्रैप में श्रीलंका फंस चुका है। डेट ट्रैप क्या होता है, किसी सामने वाले पर्सन की औकात से ज्यादा उसको लोन दे देना, और फिर अपना लोन तो वो वापस कर नहीं पाएगा, तो फिर दिक्कत ये देखने को मिलेगी वो इंसान जो है वो उसके सामने अपने घुटने टेक देगा और बोलेगा भैया क्या चाहिए, जो बोलोगे वही करेंगे। तो ऐसे इश्यूज निकल के आते हैं। तो चाइना जो है वो ऑलरेडी हम्बन टोटा जो पोर्ट है वो खरीद चुका है बेसिकली इसका श्रीलंका का, क्योंकि 99 साल के लिए उसने लीज पर ले लिया है, यानी कि 99 साल के लिए वो उसकी प्रॉपर्टी बन चुका है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज देखने को मिलेंगे आज के दिन में। तो यहां पर खाने के भी लाले पड़े हुए, अभी रिसेंटली ये बोला गया था कोई भी बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर जाने के लिए डॉलर की जरूरत पड़ेगी, और डॉलर जो है देश के अंदर बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये माना जा रहा है कि बहुत ही कम लेवल पर यहां पर श्रीलंका के पास में आज के दिन में इनका रिजर्व बचा हुआ है, उसके चलते यहां पर 1.5 बिलियन के करीब आप लोग बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही कम एक तरीके से बचा हुआ है। ऐसा है कि आने वाले टाइम में कोलैप्स कर सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। जर्मनी के अंदर और एक और कंट्री के अंदर श्रीलंका ने अपनी एम्बेसी बंद कर दी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इनके पास में पैसा नहीं है, और ये बोल के बंद किए कि हमारे पास में पैसा नहीं कि हम लोग एम्बेसी का खर्चा उठा सकें। और इसी के साथ में देश के अंदर में किसी के पास भी डॉलर है या फिर कोई भी यहां पर पैसा लेकर घूम रहा है उसको बोला गया कि बैंक के अंदर जमा कर दो, क्योंकि डॉलर अगर रहता है बैंक के अंदर में तो अर्थव्यवस्था को ताकतवर अर्थव्यवस्था की तरीके से यहां पर देखा जाता है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कई सारे ऐसे इश्यूज आज के डेट में आप लोगों के सामने निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते यहां पर बार बार बातें की जाती है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या यहां पर चल रही है, और चीजों को आप लोग अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बाकी आर्टिकल आएंगे, अभी त्रिंकोमाला जो टेल जो ऑयल डील थी यहां पर उसके बारे में आप लोगों को पता ही है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, तो आगे भी कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चाइना और ईरान जो है वो स्टार्ट करें इंप्लीमेंट करना स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट जो कि इनके द्वारा साइन किया गया था, काफी पुराना यहां पर इतने तरीके से जब से यहां पर ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी उसके बाद में चाइना जो है यहां पर बेसिकली ईरान के अंदर एंट्री करने लगा था, क्योंकि ईरान न्यूक्लियर डील साइन करने के बाद में यूएस से बाहर निकल गया। तो अभी चाइना जो है काफी लार्ज स्केल पर ईरान के साथ में काफी लंबी डील कर रखी है, तो उसके चलते काफी लार्ज स्केल पर आने वाले टाइम में चाइना को ईरान जो है वो क्रूड ऑयल वगैरह प्रोवाइड कराता हुआ नजर आएगा, उसके बदले चाइना जो है ईरान की काफी सारी हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो डील को स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट को आगे लेकर चलने की बात की जा रही है इनके द्वारा और अच्छे लेवल पर।
और आने वाले टाइम में अभी आप लोगों को और भी कई सारे इश्यू देखने को मिलेंगे। आप लोगों को पता है अभी यहां पर कुछ दिनों पहले हम लोगों ने डिस्कस भी किया था संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो ईरान है उसको भी यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं आने वाले टाइम में अफगानिस्तान इंक्लूड हो जाएगा और आने वाले टाइम में इसी तरीके से और एक दो कंट्री और एक नया ग्रुप बन रहा है जिसके चलते और कई सारे इश्यूज निकल कर आते हैं, ठीक है। रशिया जो है वो बोल रहा है कि वो बेसिकली यहां पर अभी बोला जा रहा है किसके द्वारा, यहां पर एक कोई पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहां पर ये यूएसए की, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि रशिया जो है वो इन्वेजन कर ले जो यूक्रेन को, इनके अपने कंट्रोल में ले। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर जो है यहां पर वो बना था उस टाइम पर, तो उसके बाद में उसका विघटन हुआ तो सारी चीजें जो है उसकी एक तरीके से इधर उधर टूटकर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई। तो पुतिन साहब जो है वो चाह रहे हैं कि फिर से रशिया को ग्रेट रशिया बनाया जाए, तो उसके चलते यहां पर बार बार ऐसी आशंकाएं लगाई जा रही है कि आने वाले टाइम में पुतिन साहब जो है वो यहां पर इसको कंट्रोल में ले सकते हैं, तो ये इशू है, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर यूएसए का जो कोस्ट है बेसिकली यहाँ पर अलर्ट इशू कर दिया गया है यहाँ पर, और टोगा आइलैंड पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर पर्टिकुलर एरिया में कि यहाँ पर एक यहाँ पर अंडर वाटर जो यहाँ पर वोल्केनो फटता हुआ नजर आया जिसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखते हैं, ब्रिटिश मैन जो है उसको ट्रायल पर रख दिया गया ट्राइंग टू किल द पाकिस्तानी ब्लोअर, तो ये ऐसा कोई इशू नहीं है, फालतू का है, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इशू है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, यूएसए प्लान कर रहा है ऑटोनॉमी इन रेयर अर्थ मटेरियल। रेयर अर्थ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको यूज किया जाता है कई सारी चीजों को बनाने के लिए, लगभग यहां पर 17 मेटेलिक एलिमेंट जो होते हैं, ठीक है, इंक्लूड करते हैं 15 लैंथेनाइट्स यहां पर इसके अंदर जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और इसके साथ में यहां पर स्कैंडिनेवियम और यहां पर येट्रिनियम, ठीक है। तो ये कई सारे ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको कई बार आप लोग बोलते थे हवाई जहाज ये सारी चीजें बनाने में, अलग अलग इक्विपमेंट बनाने में, कम्युनिकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में इनको यूज किया जाता है। तो 17 रेयर अर्थ मटेरियल के नाम मैंने दे रखे, सीरियम हो गया, ठीक है, सी इसको बोला जाता है, इसी के साथ में यहाँ पर डिस्पोडियम, इसी के साथ में एरुबियम, ये कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, टोटल नाम मैंने आप लोगों को लिखकर दिखा दिया यहाँ पर। तो ये कई सारे मटेरियल इनको यूज किया जाता है और चाइना में काफी लार्ज स्केल पर है, तो इसके चलते अभी चाइना का दबदबा कम करने की कोशिश की जा रही है, तो यूएसए इसमें अपनी ऑटोनॉमी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड का लगभग 57% चाइना के अंदर में और 15% के करीब यूएसए के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सारे जो भी आप लोगों के सामने हैं इनको मैं सेल्फी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग इनको चेकआउट कर लेना, सारी चीजें आप लोगों को वहां पर इकट्ठी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी यहां पर आर्टिकल आ रहा है कोवैक्सीन जो बूस्टर अगर इंक्रीज कर सकते हैं न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज, स्टडी आ रही है, देखिए ऐसी कोई भी स्टडी आती है ना ये ट्रायल फेज में होती है, ठीक है। तो साइंस एंड टेक के अंदर में जो कई सारे ऐसे इश्यूज आते हैं आप लोग उनको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंफर्म जो चीजें होती है ना एग्जाम में वो पूछी जाती है, अंडर ट्रायल चल रही है अभी इशू बने हुए हैं वो आप लोगों को कभी नहीं एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो पहले बेसिक एनसीईआरटी अपनी खत्म करो साइंस की, फिर जाकर अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं तो न्यूज में आता ही रहता है, वो कवर हो जाता है, जैसे कि आप लोग शाम को वीडियो आती है 8:30 बजे, उसमें कई सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैं आर्टिकल डिस्कस करता हूं डिटेल में, तो कंफर्म डिटेल वाली चीजें रहती है ना कि अंडर ट्रायल वाली चीजें, ठीक है, तो उसको आप लोग समझ सकते हैं। 2021 जो है वो 6th सबसे गर्म साल यहां पर देखने को मिल रहा है 1951 से, ये बातें सामने निकल कर आ रही है, तो नेशनल जो ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके द्वारा ये बातें बताई गई है, तो इसके बारे में एक हल्का सा इशू आइडिया आप लोग रखते हैं, और प्री इंडस्ट्रियल टाइम के हिसाब से काउंट किया था, ठीक है। तो कुछ नहीं यहां पर बेसिकली अभी एक हर्ट जो था वो ह्यूमन का जो बेसिकली ह्यूमन के अंदर हर्ट को इंक्लूड किया गया, तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिला, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है पिग का हर्ट यूज किया गया, तो पिग जो था वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग था, यहां पर इसी पर्पज के लिए बनाया गया पिग बेसिकली, तो उसके अंदर हर्ट था यहां पर, इंसानों का हर्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसका सिंपल हर्ट है यहां पर, ठीक है, कई सारे पार्ट्स जो रहते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, तो सुअर का जो यहां पर पोर्शन है वो इंसान के साथ में इसलिए इंक्लूड किया गया क्योंकि इंसान और सुअर का जो है वो मिलता जुलता रहता है, तो इसलिए यहां पर इसको इंक्लूड किया गया, ठीक है। कई सारे बच्चे पूछ रहे सर कैसे लगा दिया, तो यार ये ना थोड़ा सा मिलता जुलता रहेगा इसलिए यहां पर लग जाता है, ठीक है। तो ये है WTO के वर्डिक्ट क्या है सुगर के बारे में, ये मैंने कल ही डिस्कस किया है काफी डिटेल में आप लोगों से, ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग समझिएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर बताएगा, कल की वीडियो में काफी डिटेल में मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है, तो इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली है मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो इसको जाकर आप लोग एक बार देख लेना, कल का ही डिस्कस किया, अगर फिर से यहां पर इंक्लूड करूंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा फालतू में, तो इसलिए मैंने यहां पर कल ही इसको डिटेल में पढ़ाया, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। टीआरपी वाला इशू इंप्रूव करने की बात की जा रही है, तो इसके बारे में अभी आगे एडिटोरियल भी आएगा, तो इसको मैं कवर करूंगा काफी अच्छे से डिटेल में ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले, और यहां पर ओमिक्रॉन के बारे में बात की जा रही है तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे से इश्यूज हैं कई सारे जिनके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। बाकी यहां पर बोला जा रहा है कि जो मसल्स हैं वो एक तरीके से अगर मसल स्ट्राइव कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ विटामिन डी, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है विटामिन डी, आप लोगों को मैंने बताया भी था, धूप में कोशिश किया करो 10 से 15 मिनट डेली बैठा करो, कोशिश किया करो चाहे कुछ भी क्यों ना हो इतना तो धूप में बैठना चाहिए, निकलती नहीं वो एक अलग बात है, पर लेकिन जब रहते तब की बातें कर रहा हूं, ठीक है।
तो ये देख सकते हैं। परसों क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर आप लोगों के सामने संजू के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए, यहाँ पर सारे क्वेश्चन काफी डिटेल में इनके द्वारा बताए गए, तो इसी तरीके से पार्टिसिपेट किया करो। तो यहाँ पर जो कि आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन थे आप लोगों के सामने, मैंने पूछा था जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में, तो ये पूरा फॉर्मूला है, यहाँ पर आंसर बी है इसका, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जाती है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जिसमें इन्फ्लेशन रहता है, और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। आगे हम लोगों ने बात की थी कौन कौन सा हेडक्वार्टर कहां पर है, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी थी, ये डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपका, तो किस किस का हेडक्वार्टर कहां कहां पर है, तो सारी बातें आप लोगों के सामने यहां पर है। मेंबर थोड़ा सा ये गलत है क्योंकि मेंबर भी अपडेट हो चुके, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो मैंने डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया था यहां पर इसके बारे में, जो कि 1956 में बनाई गई थी, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहां पर ताशकंद पैक्ट के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, तो याद रखिएगा ये न्यूज में भी था अभी, सीएसटीओ। तो सीएसटीओ क्या है यहां पर, ये मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहां पर बनाया गया था 1992 में, और यहां पर ताशकंद पैक्ट या फिर ताशकंद ट्रीटी के नाम से आप लोग इसको जानते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, कई बार ना कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप लोगों को इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल आप लोगों को, जो मैंने बताया, कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो आज का डिस्कशन इतना ही है, कल को मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, हल्के शाम को मिलेंगे आप, कल को कहां से मिलेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।